Welcome to our Hadi Foundation School. Assalamu alaikum, dear students. Today we will learn the page number 34, 35, and 36. That is, our 4-digit number. That means, how do we add any 4-digit number? So, let's start with students. We will go to page number 34. And open your book, open your notebook, open your notebook. As I tell you, practice it. तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं अपने 34 नंबर पेज की तरफ। दैट इज नंबर ऑपरेशन। बेसिकली हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था नंबर क्या होते हैं, उसके बाद हमने उनको पढ़ा था कि डिजिट क्या होते हैं। अगर 4 नंबर डिजिट होंगे तो उसको क्या कहेंगे, 3 नंबर डिजिट होंगे तो उसको क्या कहेंगे, 2 नंबर डिजिट होंगे तो उसको क्या कहेंगे। और क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास है नंबर ऑपरेशन। नंबर ऑपरेशन बेसिकली एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन को कहा जाता है, यानी कि नंबर के साथ जो ऑपरेशंस यूज होते हैं उनको कहते हैं नंबर ऑपरेशन। बेसिकली इस यूनिट में आज हम क्या पढ़ेंगे, इन दिस यूनिट स्टूडेंट विल लर्न टू, आज जो स्टूडेंट है वो लर्न करेंगे इस चैप्टर में एड नंबर्स अप टू 4 डिजिट विद एंड विदाउट कैरिंग, यानी कि नंबर्स को ऐड करेंगे, ठीक है, अप टू 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर इज बेसिकली कॉल्ड थाउजेंड्स, ठीक है, या जो है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं थाउजेंड्स को। तो मतलब कैरी एंड विदाउट कैरिंग के साथ कैसे उसको ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हमने ये करना है कि सब्ट्रैक्ट कैसे करना है 4 नंबर डिजिट को, फिर मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिवीजन कैसे करना है, उनके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, अगर कोई हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करें, ये सब हम ना इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि आज हमारे जो इस चैप्टर में है वो क्या क्या हम करते हैं। मैथ्स प्लस यू हैव ऑलरेडी डन, यानी हमने ना प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है, टू ऐड नंबर्स आपको 3 डिजिट, यानी कि 3 नंबर डिजिट को कैसे ऐड किया जाता है। 3 नंबर डिजिट बेसिकली कॉल्ड 100, यानी कि 100 के जितने नंबर्स होते हैं हमने उसको कैसे ऐड करना है। टू सब्ट्रैक्ट कैसे हमने किया प्रीवियस लेक्चर में 3 डिजिट नंबर, उसके बाद हमें टेबल्स जो टाइम टेबल्स अप टू 10, इसके बाद टू मल्टीप्लाई 3 डिजिट नंबर बाय वंस एंड टेंस, यानी कि वंस एंड टेंस के साथ अगर 3 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई वो कैसे करना है, इसके बाद टू डिवाइड 3 नंबर डिजिट बाय 1 डिजिट नंबर, अगर किसी भी 3 नंबर डिजिट को 1 नंबर डिजिट के साथ डिवाइड किया जाए तो वो कैसे करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2, दैट इज नंबर ऑपरेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि आज हमारे जो इस चैप्टर में है वो क्या क्या हम करते हैं। मैथ्स प्लस यू हैव ऑलरेडी डन, यानी हमने ना प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है, टू ऐड नंबर्स आपको 3 डिजिट, यानी कि 3 नंबर डिजिट को कैसे ऐड किया जाता है। 3 नंबर डिजिट बेसिकली कॉल्ड 100, यानी कि 100 के जितने नंबर्स होते हैं हमने उसको कैसे ऐड करना है। टू सब्ट्रैक्ट कैसे हमने किया प्रीवियस लेक्चर में 3 डिजिट नंबर, उसके बाद हमें टेबल्स जो टाइम टेबल्स अप टू 10, इसके बाद टू मल्टीप्लाई 3 डिजिट नंबर बाय वंस एंड टेंस, यानी कि वंस एंड टेंस के साथ अगर 3 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई वो कैसे करना है, इसके बाद टू डिवाइड 3 नंबर डिजिट बाय 1 डिजिट नंबर, अगर किसी भी 3 नंबर डिजिट को 1 नंबर डिजिट के साथ डिवाइड किया जाए तो वो कैसे करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2, दैट इज नंबर ऑपरेशन। अब जैसे कि नेक्स्ट पेज में हमारे पास पेज नंबर 35 में हमारे पास क्या है, पेज नंबर 35 में हमारे पास है एडिशन ऑफ 4 नंबर डिजिट। 4 नंबर डिजिट को बेसिकली कैसे ऐड करते हैं, पहले हमेशा ऐड जब स्टार्ट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद 10 एंड देन 100। किसी भी 2 नंबर डिवाइड, यानी कि किसी भी 2 डिजिट नंबर को कैसे ऐड करते हैं, इसके बाद 3 नंबर डिजिट को। कैरी करना और कैरी ना करना क्या होता है, यानी कि ऐसे नंबर्स, ठीक है, जिनको कैरी किए बगैर उनका आंसर आ जाए तो उनको बोलते हैं एडिशन विद विदाउट कैरी, ओके। और ऐसे नंबर्स जिनका कैरी आ जाए, कैरी से मुराद यानी कि ऐसे नंबर्स जिनको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें, जो कुछ मर्जी करें, उनको ना उसका आंसर जो है वो 10 आए या 10 से अबव आए। अगर ऐसी कोई वैल्यू है जिसका 10 या 10 से ज़्यादा कोई नंबर आ जाए तो उसको कैरी करना कहलाते हैं, ठीक है। बेसिकली उसका जो लास्ट डिजिट होता है ना 1 डिजिट, उसको हम लिखते हैं अपने आंसर में, एंड उसका जो फर्स्ट डिजिट होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, कैरी कर लेते हैं। तो फिर हम उसको ये बोलते हैं कैरी विद और कैरी विद एडिशन और कैरी विदाउट एडिशन, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, जब हमने इन दोनों को सॉल्व किया, ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आया, 79, यानी इसमें देखिए कोई कैरी नहीं हो रहा, तो हम ये कहते हैं इसमें कि कैरी विदाउट एडिशन। अगर देखें इसमें, अगर इन दोनों में अगर फर्क देखें तो ये कैरी विद एडिशन है और ये कैरी विदाउट एडिशन है, ठीक है। नाउ विल लर्न अप टू 4 डिजिट नंबर, वी विल फॉलो द सेम मैथड दैट वी यूज फॉर द 3 डिजिट नंबर, यानी कि हम जब
फोर डिजिट नंबर को या थ्री डिजिट नंबर को या टू नंबर डिजिट को हम ऐड करना जान जाएंगे, सीख जाएंगे, तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। हम दो नंबर को ऐड करना, थ्री नंबर को ऐड करना, फोर नंबर को ऐड करना, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम द राइट, यानी कि हमेशा स्टार्ट राइट से ऐसे होता है ना कि पहले हम जो है वो स्टार्ट करते हैं हम अपने से हमेशा जो है ना वो वन के साथ, वन से, फिर देन उसका जो नंबर होता है वो टेन से, इसके बाद हंड्रेड एंड फिर थाउजेंड। यानी फोर नंबर डिजिट अगर हो या फोर नंबर डिजिट हमारे पास हो तो वो हम करते हैं स्टार्ट करते हैं फ्रॉम राइट से, दैट इज़ वन, ठीक है। इसके बाद फिर हम हमेशा ऐड करते हैं टेंस एंड देन हंड्रेड एंड फिर थाउजेंड। इफ़ वन टेंस एंड हंड्रेड अप टू टू डिजिट नंबर वी कैरी फॉरवर्ड, यानी कि कैरी फॉरवर्ड यानी कि हम उसको ना कैरी करते जाते हैं। अगर हमारे पास टू डिजिट नंबर है दैट इज़ वन एंड हंड्रेड, अगर उनको ऐड करें और कैरी करने की वजह से हमारे पास आंसर हमेशा हंड्रेड में आ जाता है। और अगर हंड्रेड में अगर आ जाए तो अगर उसका कोई कैरी कर ले तो वो हमारे पास थाउजेंड, यानी कि वो बढ़ता चलता है वो सिलसिला, ठीक है। अपने नेक्स्ट पेज की जानिब चलते हैं। स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट पेज में हमारे पास एडिशन विदाउट रिग्रुपिंग, ठीक है। यानी रिग्रुपिंग से मुराद है यानी कि विदाउट एनी कैरी करना, ठीक है। अब देखो हमने हमारे पास फोर डिजिट नंबर है, ठीक है, ये भी फोर नंबर डिजिट है, ये भी फोर नंबर डिजिट है, इनको जब हमने ऐड किया ना इन सबको तो कोई कैरी नहीं हो रहा। कैरी से मुराद कोई थ्री कोई भी टेन से यानी नाइन से अबव नंबर क्या है वो नहीं आ रहा। तो फिर हम कैसे लिखेंगे इनको जब हम ऐड करेंगे, इसको भी जब हम ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3856। इसके बाद स्टेप वन हमारे पास बेसिकली क्या होता है, स्टेप वन हमेशा ये होता है कि हम सबसे पहले ना करते हैं वंस को ऐड, ठीक है, ये वाली वैल्यूज यानी वंस को ऐड करते हैं, फिर इसके बाद टेंस को ऐड करते हैं, फिर हंड्रेड को करते हैं एंड थाउजेंड को। जब हम इन सबको ऐड करते जाते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर आता जाता है। फिर जब हम फाइनल आंसर आता है तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास क्या है, सिक्स वंस हैं, फाइव टेंस हैं, एट हंड्रेड एंड थ्री थाउजेंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको थोड़ा सा ये समझ आ गया होगा। चलिए चलते हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारे लास्ट पेज में हमारे पास वो क्या है कि एडिशन विदाउट रिग्रुपिंग कन्वर्टिंग वंस, यानी कि रिग्रुपिंग से मुराद ये कि कैरी करना, ठीक है। अब हमने ऐसे एडिशन यानी कि ऐसे नंबर्स, ठीक है, जिनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट करें या कुछ भी इस पर ऑपरेशन लगाएं तो जब वो कैरी करेगा, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एडिशन विद रिग्रुपिंग, ठीक है। ऐड द वंस, हम पहले सबसे पहले हमारे पास जो जैसा कि रूल है कि सबसे पहले वंस को ऐड करते हैं, फिर उसके बाद टेंस को ऐड करते हैं, हंड्रेड को एंड देन थाउजेंड को। जब हम इनको ऐड करते हैं ना तो बेसिकली जब हमारे पास होता है कि यानी सेवन और प्लस फोर वंस दैट इज इलेवन वंस, ठीक है। तो इलेवन वंस को हमने बोला हमारे पास क्या है, टू मेनी वंस, सो वी चेंज वन टर्न। बेसिकली ये जो हम यहाँ पे लिखा है वो चेंज टेन वंस इंटू वन टाइम, बेसिकली इसको लिखा हुआ है कि हमने जब हम उसको वन टेन टेंस को जो हम करते हैं ना चेंज करके हमारे पास कैरी आ जाते हैं, वो हमारे पास क्या हो जाता है कि टेन वंस इंटू वन टेन, जो टेन वंस होते हैं ना वो हमेशा वन टेंथ बन जाते हैं, ठीक है। फिर एट द टेंस हंड्रेड एंड थाउजेंड। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। ऐसे पॉइंट जो आपको क्लियर ना हो, समझ ना आए, वो उसको प्रैक्टिस कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।